हाय एवरीवन, टुडे वी आर डूइंग कैट पैरा समरी 4, जिसमें कि हम कैट के पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं। सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे 2021 के होंगे, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, जितने भी हम कवर कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डू आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज लास्ट के 3 सेशंस में हमने स्ट्रैटेजीज, ट्रिक्स काफी डिटेल में डिस्कस किए हैं, राइट? सो आई थिंक इस सेशन में जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम प्रैक्टिस सेशन की तरह से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी, देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे ऑडियो विजुअल स्पीच से एक कंफ्यूजन हो सकता है। कंफ्यूजन एज इन मैक्रक एंड मैकडॉनल्ड रिपोर्टेड अ पावरफुल मल्टी सेंसरी इल्यूजन अकरिंग विद अ ऑडियो विजुअल स्पीच। दे रिकॉर्डेड अ वॉइस आर्टिकुलेटिंग अ कॉन्सोनेंट। देखो ऑडियो विजुअल का एक इल्यूजन, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक वॉइस रिकॉर्ड की जो रिकॉर्ड बोल रही थी ब ब ब एंड डब्ड इट विद अ फेस। और फेस से फॉर एग्जाम्पल मैं आवाज निकाल रही हूँ, बट मैं एक्चुअली बोल रही हूँ ग ग ग, और उसको उन्होंने साइलेंट कर दिया है। सो इट लुक्स लाइक ये ग ग डा वह क्या बोल रहा है, बट एक्चुअली वो जो आप फेस था वो ग बोल रहा था, वो साइलेंट कर दिया और उसमें मर्ज कर दिया ये वॉइस। इवन दो द अकाउस्टिक स्पीच, अकाउस्टिक मतलब हियरिंग, तो जो स्पीच थी वो बिल्कुल अकेले आप अलोन ही सुन के आप पता कर सकते हो क्या बोल रहा है। इट वॉज हर्ड एज अनदर कॉन्सोनेंट आफ्टर डबिंग, बट जब डब किया गया और फेस बोल रहा है गा गा एक्चुअली में, फिर वो साइलेंट म्यूट कर दिया, म्यूट करके क्या ऐड किया ब ग, राइट? और फिर उसके बाद में लोगों को बोला कि सुनो, तो लोगों को डर डर सुनाई दे रहा है, इसको बोलते हैं इल्यूजन। डर डर तो कोई बोल ही नहीं रहा है, एक्चुअल जो जो वॉइस ओवर है वो बा बा का है, जो पर्सन बोल रहा था वो गा रहा था, तो डर डर क्या सुनाई दे, इसको बोलते हैं मैक्रक इफेक्ट। हैज बीन रेप्लीकेटेड मेनी टाइम्स एंड इट हैज स्पार्क्ड एन अबंडेंस ऑफ रिसर्च। द रीजन फॉर द ग्रेट इम्पैक्ट is that this is a striking demonstration of multisensory integration where the auditory and visual information is merged into a unified integrated percept। मतलब जहाँ पे आप auditory या visual information है वो कुछ merge होके कुछ और बन जाती है, right? Integrated एक perception, perception एक sense develop करता है जो शायद है मिलके। So what we are trying to say is let's read the options। Option A, visual speech mismatched with auditory speech can result in the perception of an entirely different message। This illusion is known as the McGregor effect। मतलब जो भी auditory whereas visual जो speech होती है वो एक अलग ही message कुछ दे रही थी। मतलब देखो उसमें voice over था बाबा का, वो बोल रहा था person गा, वो सुनाई दे रहा था डायला, तो एक different message है। इस illusion को बोलते हैं, मतलब ऐसा है नहीं but looks like ये ऐसा बोल रहा है, इसको बोलते हैं McGregor effect। So that is the correct answer। When the quality of auditory information is poor, the visual information wins over the auditory information। मतलब जब क्वालिटी इंफॉर्मेशन की पुअर नहीं है, एक परसेप्शन है, एक इल्यूजन है। द मैक्रक इफेक्ट विच इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन हैज बीन रेप्लिकेटेड मेनी टाइम्स। मतलब ये जो इफेक्ट है मल्टी सेंसरी इंटीग्रेशन का, ये बहुत बार, वी डोंट नो कितनी बार रेप्लिकेट किया गया है मल्टी, एंड दैट्स नॉट इवन द टॉपिक। द टॉपिक इज दिस इल्यूजन, मैक्रक इफेक्ट, दिस इल्यूजन, राइट? इल्यूजन इज द मेन टॉपिक। When the auditory speech signal does not match the visual speech movements, the acoustic speech signal is confusing and integration of the two is imperfect। It's not imperfect, ये एक perception दे रहा है कि ऐसा बोलो, गलत नहीं है, imperfect ही है integration, इस जो और ना ही कन्फ्यूजिंग है, वो आपको क्लियरली डर डर सुनाई दे रहा है, तो ये एक इल्यूजन है नहीं बट ये सुनाई दे रहा है, राइट? सो वन एक्चुअली प्रॉपरली कवर्स एवरीथिंग कंपेयर टू अदर ऑप्शंस। Now, question number 2, which is taken from CAT 2021 slot 1, it compares biologists with physicians, as in, अगर biologists अपनी कोई भी research directly internet पे डाल दें, तो उसको बहुत ही गलत, बहुत ही extreme रोग, ऐसे बोला जाता है, while physicists जो होते हैं, they have been routinely publishing, वो अपनी जो भी चीजें रिसर्च वो डिजिटली पब्लिश करते हैं प्रीप्रिंट्स प्रायर टू सबमिटिंग अ पीयर रिव्यू जर्नल। पीयर रिव्यू मतलब मैंने, अगर मैं बायोलॉजिस्ट हूँ, मैंने कोई रिसर्च की पेपर में लिखा है अपनी पब्लिक, वो जो रिसर्च पेपर था, पर तो मैं पहले अपने कलीग्स को दिखाऊंगी, वो करेक्ट करेंगे, अपना सजेशन देंगे, फिर ही मैं एक्चुअली फॉर द वर्ल्ड इट विल बी अवेलेबल इंटरनेट पर डालूंगी। पर फिजिसिस का नहीं होता, पहले वो डाल देते हैं इंटरनेट पर और फिर अपने फ्रेंड्स को या अपने कलीग्स को दिखाते हैं। एडवोकेट्स ऑफ प्रीप्रिंट्स, प्रीप्रिंट्स मतलब इंटरनेट पे जो लोग डालते हैं उसके सपोर्टर्स, तो ये बोलते हैं कि इससे एक क्विक एंड ओपन डिस्कशन डिसेमिनेशन होता है कि सब दुनिया देख लेती है क्या गलत है, कैसे ये लोग कमेंट कर देते हैं, और साइंटिफिक प्रोग्रेस है ना, वाइडर एक्सेस ऑफ नॉलेज है, जल्दी पता चलता है, चीज़ें आगे बढ़ती हैं, राइट? वहीं का वहीं रहा देन आप अपने 4-5 कलीग्स को दिखा रहे हो, दुनिया पे, दुनिया को दिखा रहे हो कि भाई ये रिसर्च है, क्या मिस्टेक्स है, क्या नहीं है, सब बता दो, एनालाइज करके परफेक्ट एक रिजल्ट पता चल जाएगा।
बट सम जर्नल्स स्टिल डोंट एक्सेप्ट रिसर्च प्रीवियसली पब्लिश्ड एज अ पेपर. कुछ जर्नल्स को पसंद नहीं कि पहले आप इंटरनेट पर डाल रहे हो विदाउट वेरीफाइंग इट विथ योर कॉलीग्स एंड एवरीवन. इवन इफ द आइडिया ऑफ प्री प्रिंट, प्री प्रिंट मतलब इंटरनेट पर डाल देना कोई रिसर्च पहले से, इज गेनिंग ग्राउंड. वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर्स फॉर बायोलॉजिस्ट इज हाउ दे वुड बी व्यूड बाय मेंबर्स ऑफ देयर कंजर्वेटिव, मतलब उनकी जो कम्युनिटी होती है कंजर्वेटिव, पुराने जमाने के नहीं पहले हमें दिखाओ फिर इंटरनेट पर डालो, मतलब ज्यादा झंझट है बायोलॉजिस्ट के लिए, फिजिसिस्ट के लिए इतना नहीं है. वो जो है वो इंटरनेट पर डाल सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को बाद में दिखाएंगे, पेयर्स को जैसे उनकी मर्जी है वैसे. बायोलॉजिस्ट की कम्युनिटी थोड़ी कॉन्जर्वेटिव है, सो इट्स नॉट एक्सेप्टेड कि आप पहले इंटरनेट पे डाल रहे हो, प्री प्रिंट बना रहे हो और फिर बाद में अपने कलीग्स को दिखा रहे हो लाइक दैट. सो वी आर बेसिकली कंपेयरिंग बायोलॉजिस्ट, कंपेयर टू बायोलॉजिस्ट फिजिसिस्ट आर लेस कॉन्जर्वेटिव इन देयर एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटल प्री पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च पेपर्स विच अलाउज फॉर फास्टर डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज. मतलब फिजिसिस्ट कॉन्जर्वेटिव है नहीं, ये डेफिनेटली लास्ट टाइम लिखा है, और प्री पब्लिकेशन से फास्टर डिस्कशन होता है और डिसेमिनेशन ऑफ फास्टर स्प्रेड होती है नॉलेज, फास्टर एनालिसिस होता है, सब कुछ फास्टर होता है, राइट. तो दैट्स व्हाट वी आर सेइंग. वन ऑफ द एडवांटेज, देखो एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात नहीं है, क्या डिफरेंस है बायोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट में, हम ये बात कर रहे हैं. व्हाइल डिजिटल पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन मेनी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, ऑलमोस्ट ऑल पीयर रिव्यूड जर्नल्स आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट पेपर्स दैट हैव बीन पब्लिश्ड बिफोर. मतलब ठीक है, एक बार फिर से रीड कर. व्हाइल डिजिटल पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इज गेनिंग पॉपुलैरिटी इन मेनी साइंटिफिक डिसिप्लिन्स, मतलब डिजिटल पब्लिकेशन वैसे तो बहुत जगह एक्सेप्टेड है कि आप डाल दो, बट पीयर रिव्यूड जर्नल्स आर रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट. अगेन किस में, बायोलॉजिस्ट या फिजिसिस्ट, ये क्लियरली बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, हमने दो बार रीड किया. हम डिफरेंट यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं, बायोलॉजिस्ट कैसे पब्लिश करते हैं, फिजिसिस्ट वो बिल्कुल भी इधर पे नहीं है. सो सी इज नॉट मेंशनड. प्री प्रिंट्स ऑफ रिसर्च आर फ्राउंड ऑन बाय सम साइंटिफिक फील्ड्स एज दे डू नॉट अंडरगो रिगरस रिव्यू प्रोसेस बट आर एक्सेप्टेड अमंग, नहीं इट्स नॉट एक्सेप्टेड, प्री प्रिंट्स इज फ्राउंड अपॉन अमंग बायोलॉजिस्ट्स एंड एक्सेप्टेड अमंग फिजिसिस्ट्स, उनको उनके लिए है. तो ये ऑपोजिट लिखा है देन व्हाट वी हैव रेड, राइट. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट समरी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉरन पीस कीपर्स. फॉरन पीस कीपर्स एज इन अपने कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल कोई दूसरे कंट्री में एज एन आई एफ एस एम्बेसी में जो लोग बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम उनकी बात कर रहे हैं, तो वो जब अपने कंट्री से उस जो कंट्री में जा रहे हैं वहीं के ऑफिस में बैठ रहे हैं, वहाँ उनको एक राइट वहाँ पे अपने एक ऑफिस मिलेगा, अपने मतलब एक दूसरे कम्युनिटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पे दे लिव इन अ बबल इन द पुअर कंट्री स्पेशली. जैसे इंडिया से कोई अफ्रीका गया, राइट, अफ्रीका किसी पुअर कंट्री में गया, इन विच दे आर, तो उनको डिप्लॉय मतलब पोस्टिंग की गई, तो वहाँ पे अगर, तो वहाँ एक अपने उसमें रहेंगे, वो अपने ही दुनिया में, दे विल नॉट मिक्स अप विद द होल कम्युनिटी एंड ऑल, दे विल लिव इन पॉश कंपाउंड्स ऑफ गवर्नमेंट, से जो उनको घर वगैरह मिलेगा, बंगलो मिलेगा, पॉश कंपाउंड्स में रहेंगे, अपनी फैंसी जो कार मिलेगी उसमें जाएंगे, राइट. लोकल्स जो स्पेशली पुअर लोकल से गाँव में अगर आपका होगा तो बस अपना काम करें, पर लोगों से लेना देना बातचीत नहीं रखेंगे. अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज एक तो ऑफकोर्स वो आउटसाइडर्स हैं, वहाँ के लोगों को पता नहीं है वहाँ का कुछ कल्चर वगैरह, राइट. ऊपर से उनको डर लगता रहता है परफॉर्मिंग अ जॉब दैट इज इमोशनली ड्रेनिंग, ऊपर से काम इतना ज्यादा होता है कि दे डोंट रियली हैव टाइम टू सोशलाइज और टॉक टू पीपल. उसके अलावा देर ऑफन डिस्पाइज, जनरली लोकल्स उनको पसंद नहीं करते बिकॉज वो लोकल्स के हिसाब से काम नहीं कर रहे होते हैं. मेनी वुड लाइक, और ज्यादातर लोग चाहिए कि चले जाए, फॉर एग्जाम्पल लोकल्स को चाहिए स्कूल, पर अभी ये लोग आए हैं वहाँ पे रोड बनवाने के लिए, तो वो पर्सन तो रोड ही बनाएगा, उसको ऊपर से वही ऑर्डर मिला हो, पर लोकल्स वॉन्ट अ स्कूल, तो इसलिए लोकल्स के हिसाब से काम नहीं चल रहा होता है, तो इसलिए उनको चाहिए कि ये चले जाए तो बेटर है, ये अपना काम तो कुछ कर दे रहे हैं. सो बेटर सोल्यूशन वुड बी बॉटम अप पीस बिल्डिंग. इसलिए बेटर सोल्यूशन के पहले आप लोगों से बात करो, लोग क्या चाह रहे हैं उस हिसाब से, तो एक अच्छा रेपो बनेगा, विच विल इन्वॉल्व स्पेंडिंग मोर टाइम वर्किंग विद कम्युनिटीज, अंडरस्टैंडिंग उनके प्रॉब्लम समझो, उनका ट्रस्ट लो, राइट, रैदर देन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल से मत लो. वो एक बेटर तरीका है फॉर फॉरन पीस कीपर, स्पेशली वो फोर कंट्री में जाते तो उनको बातचीत करनी चाहिए आइडियली, रैदर देन जितना काम दिया उतना काम ना काम से काम रखने से अच्छा. So correct answer in this case is D. Peacekeeping forces in foreign countries have tended to be aloof. मतलब अपने अपने आप में रहते हैं for valid reasons, but would be more effective if they worked more closely with the local communities. मतलब whatever reasons valid, उनका काम ज़्यादा होता है, outsiders होते हैं, but better होगा अगर वो closely local communities से discuss करेंगे उनके प्रॉब्लम्स सुनेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा. एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल्स एंड अलूफ एटीट्यूड, एटीट्यूड अलूफ नहीं है, रहते हैं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस के आउटसाइडर्स हैं, काम इतना ज़्यादा होता है एंड एवरीथिंग, सो दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन एज वेल, बट इट्स जस्ट दैट ही ठीक काम आप अपने आप में रह लो, बेटर होगा कि इफ यू ऑल्सो गो आउट टॉक टू पीपल, इट्स लाइक सजेशन. सो नो द एनवायरमेंट इज इन पुअर कंट्रीज हैज टेंडेड टू मेक फॉरेन, एनवायरमेंट खराब नहीं होता है, इजंट इट,
इट्स जस्ट दैट काम इतना ज्यादा होता है और आप कहीं किसी जगह पे नए हो तो आप जल्दी लोगों से नहीं घुल मिल पाते, मिक्स नहीं हो पाते, दैट्स इट राइट. सो पीस कीपिंग ड्यूटीज वुड बी मोर इफेक्टिवली परफॉर्म्ड बाय लोकल रेसिडेंट्स गिवन देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग नॉलेज एंड रेपो. तो लोकल रेसिडेंट ज्यादा अच्छा ही काम कर सकते हैं, तो कहीं लिखा ही नहीं है. तो दिस इज आउट ऑफ स्कोप. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. पीपल व्यू आइडलनेस एज अ सिन एंड इंडस्ट्रीनेस इंडस्ट्रियसनेस इंडस्ट्रियल हार्ड वर्क. कि लोगों को लगता है कोई फ्री बैठा है तो बहुत ही गलत कर रहा है, मेहनत कर रहा है मतलब बहुत अच्छा कर रहा है. एंड इन द प्रोसेस हैव डेवलप्ड एन अनसैटिस्फैक्ट्री रिलेशनशिप विद इन देयर जॉब. इसलिए जॉब है जो भी आप काम कर रहे हो, यू डोंट हैव अ हेल्दी रिलेशनशिप. कि नहीं, जब काम करो तो काम को भी इंजॉय करना चाहिए, फ्री भी रहना एक सही चीज है. दोनों अपनी अपनी जगह सही है, एक वर्क लाइफ बैलेंस हो तो बेस्ट है. सो वर्क इज अ वे फॉर सम पीपल टू कीप देम बिजी एंड इवन दो मेनी फाइंड देयर वर्क मीनिंगलेस. बहुत लोग अपना काम पसंद नहीं कि हाँ बस जा रहे हैं, जॉब है, सैलरी मिल रही है, इसे कर रहे हैं. इन द नीड फॉर एक्टिविटी पीपल अंडरटेक व्हाट वाज वंस कंसिडर्ड वर्क, फिशिंग, गार्डनिंग एज हॉबीज. द अपोजिंग व्यू इज दैट हार्ड वर्क हैज मेड अस प्रॉस्पेरस एंड इम्प्रूव्ड आवर लेवल्स ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन. मतलब ऑपोजिट व्यू तो यही है कि हार्ड वर्क से हम लोग बहुत ही प्रॉस्पेरस एंड अपने हेल्थ एजुकेशन सब हार्ड वर्क से ही आया है, इजंट इट. सो इट हैज ऑल्सो ब्रॉट इनोवेशन, लेबर एंड टाइम सेविंग डिवाइसेज विच हैव लेसेंड लाइफ. तो मतलब हार्डवर्क से बहुत सारे लेवल पे वर्क वर्ल्ड इम्प्रूव भी हुआ है. ऑल्दो एवरीथिंग इज फाइन बट देन हार्डवर्क इज डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट, राइट? नो डाउट अबाउट इट. सो नाउ वेन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, व्हाइल द आइडियलाइजेशन ऑफ हार्डवर्क, आइडियलाइजेशन ऑफ ग्लोरीफाइंग द हार्डवर्क हैज प्रिपेयर्ड पीपल इन टू मीनिंगलेस जॉब. मतलब ऐसे नहीं सबको जबरदस्ती आपको 18 घंटे काम करना है, एंडलेस एक्टिविटी. इट हैज ऑल्सो लेड टू ट्रिमेंडस सोशल बेनिफिट्स फ्रॉम प्रोस्पैरिटी एंड इनोवेशन. कि भले ही मीनिंगलेस है, लोग बोर हो रहे हैं, फालतू में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट इससे कुछ फायदे भी हैं. जो वर्ल्ड में डेवलपमेंट हुआ है, प्रोस्पैरिटी आई, इनोवेशन है, वो भी हार्डवर्क की वजह से ही आया है. सो वी आर, दैट्स वॉट वी आर डिस्कसिंग. सम बिलीव दैट हार्डवर्क हैज बीन ग्लोरीफाइड टू द एक्सटेंट कि वो मीनिंगलेस हो गया. हार्डवर्क इज नॉट ग्लोरीफाइड कि वो मीनिंगलेस हो गया. हार्डवर्क ऐसे बहुत लोग मीनिंगलेस जॉब्स में है, मतलब ऐसे काम जो एंजॉय भी नहीं कर रहे हैं और पर वो स्टिल कर रहे हैं बिकॉज मे बी दे थिंक कि फ्री रहने से अच्छा तो कुछ कर ही लेते नहीं. कुछ ना कुछ करो पर वैसे अगेन ऐसा करो उसमें कुछ डेवलपमेंट, ग्रोथ, कुछ इंप्रूवमेंट आता है, राइट? इफ यू नॉट इंटरेस्टेड वो चीज़ अच्छी कभी नहीं होने वाली है. हार्डवर्क हैज ओवरटेकन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आर लाइव्स एंड हैज इनेबल्ड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, बट इट इज इम्पॉर्टेंट दैट पीपल रिजर्व देयर लेजर टाइम फॉर सम आइडल. पर ठीक है, हार्डवर्क ने ओवरटेक किया पर थोड़ा फ्री टाइम भी निकालो. ऐसे सजेशन गिवन नहीं है, बात सही है पर सजेशन इज नॉट गिवन. डिस्पाइट सम डिट्रैक्टर्स का मतलब होता है ओपोनेंट्स. हार्ड वर्क इज एसेंशियल इन टूडेज वर्ल्ड टू इनेबल इकोनॉमिक प्रोसेस. आज नहीं, अभी तक जो भी इकोनॉमिक प्रोसेस हुई है वो हार्डवर्क की वजह से हुई है. ऐसे नहीं कि आज इकोनॉमिक प्रोसेस हार्डवर्क की वजह से होती है, करेक्ट? सो डी इज द परफेक्ट समरी. थैंक यू सो मच एवरी वन. आई विल सी यू टुमोरो एट द सेम टाइम विथ नेक्स्ट सेशन. बाय बाय.